इंग्लिश इतनी कठिन क्यों है है ना? इट इज वेरी हार्ड सो वी आर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पोए वाई इंग्लिश इज सो हार्ड सो लेट्स बिगिन वी विल बिगिन box. हम शुरुआत करते बॉक्स से बी ओ एक्स बॉक्स एंड द प्लूरल इज बॉक्स उसका प्लूरल क्या है बॉक्सेस है बहुवचन बॉक्स का अनेक वचन क्या? क्या है बहुवचन क्या है बॉक्सेस होता है बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सेस लेकिन ऑक्स का प्लूरल क्या होता है ऑक्सन होता है ऑक्सेस नहीं होता है बॉक्स Box का बॉक्सेस है उसी तरह सेम साउंड है ox, ox, box, ox having same sound. तो box का boxes होता है, लेकिन ox का oxes क्यों नहीं होता है? Oxygen क्यों होता है? है ना? It is very hard. You may find a long uh, sorry. You may find a lone mouse or a whole lot of mice. फाइन आपको नजर आएगा लोन माउस यानी एक अलोन सॉरी इट इज डिफरेंट है ना ये अलग करके दिया ए अलो एनी अलोन अलोन मतलब अकेला आपको एक अकेला चूआ दिखेगा माउस और अ होल माइस होल मतलब पूरा होल मतलब क्या होता है पूरा लॉट ऑफ माइस माइस मतलब फिर से बहुवचन आ गया माउस का बहुवचन क्या है माइस बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउस इज नॉट हाइस जैसे सेम माउस और हाउस का साउंड सेम आता है आखिरी में तो माउस का माइस हो गया तो हाउस का हाइस होना चाहिए लेकिन उसका प्लूरल क्या होता है बहुवचन क्या होता है हाउसेज. हाउ डिफिकल्ट इट इज नेक्स्ट स्टैंडा इफ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मैन प्लूरल ऑफ मैन एम एन मैन इज ऑलवेज हमेशा हमेशा क्या होता है कॉल्ड मीन एम एन है ना वाई शुड द प्लूरल ऑफ पैन बी कॉल्ड पीन पेन है ना तो जैसे मैन का प्लूरल फॉर्म मीन होता है एमएन -E उसकी स्पेल है ना तो प्लूरल ऑफ पैन मैन पैन सेम साउंड उसका पेन क्यों नहीं होता पीईएन -E है ना दिस इज द क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा है ना एंड आई स्पीक ऑफ अ फूट मैं अपने पैरों के बारे में फूट मतलब पैर पैरों के बारे में बोल रहा हूं आई स्पीक ऑफ अ फूट एंड यू शो मी योर फिट मैं अपने पैर के बारे में बात कर रहा हूं तुम मुझे अपने पैर दिखा रहे हो फुट का फिट हो गया बट आई गिव यू बूट बट आई गिव यू अ बूट अब यहाँ पे बूट के दो मतलब होते हैं लात मारना भी होता है छोड़ देना भी होता है और जूता भी होता है तीन मीनिंग है, है ना हाउ डिफरेंट हाउ हार्ड द इंग्लिश इज उसके मीनिंग के मतलब समझना भी कितना मुश्किल है क्योंकि हर सेंटेंस के हिसाब के उसके अर्थ बदलते हैं वुड अ पेयर बी कॉल्ड बीट उसके पेयर अगर एक साथ हम लेते हैं पेयर मतलब दो है ना जोड़ी पेयर मतलब जोड़ी में जोड़ी में उसे क्या कहते हैं बीट कहते हैं अब बीट का मतलब क्या होता है चकंदर बोलते चुकंदर है ना बीट आपने सुना होगा तो पेयर इज कॉल्ड बीट नाउ दैट वन में बी दैट अब दैट का मतलब क्या है वह या जो भी होता है जिसे भी होता है इतना भी होता है एंड थ्री मे बी दोज यानी वन अगर सिंगल है one मतलब सिंगल है तो हमें दैट बुलाते हैं और एक से ज्यादा है तीन है मे कॉल दोज यानी सिंगल है तो दैट और मोर देन वन है तो दोज अब दोज का मतलब भी होता है वे या इन इन या जो है ना तो हाउ इट इज एट फिर भी द प्लूरल ऑफ हैट दिस इज हैट प्लूरल ऑफ हैट क्या है वुड नेवर बी होज हैट का प्लूरल होज नहीं होगा क्या होगा हैट्स होगा हाउ इट इज सो डिफरेंट सो डिफिकल्ट नाउ द लास्ट सेकेंड इन स्टेनजा द मास्क लाइन प्रनाउंस आर ही मास्कुलाइन मतलब क्या होता है पुलिंग प्लू पुलिंग प्रनाउंस प्रनाउंस मतलब उच्चारण यानी पुलिंग उच्चारण क्या होता है ही होता है बॉय का हीज होता है एंड हीम ही हीज हीम बट इमेजिन द फेमिनाइन शी फेमिनाइन का क्या होता है स्त्रीलिंग क्या होता है स्त्रीलिंग ही का शी हो गया लेकिन हिज का शीस नहीं होता है और सीम नहीं होता है है ना हर होता है तो शीष नहीं होता है सीम नहीं होता है सो आर इंग्लिश इसलिए हमारी इंग्लिश आई थिंक यू विल ऑल एग्री क्या कहता है पोर्ट आई थिंक मैं सोचता हूं मुझे लगता है कि यू ऑल एग्री आप सब सहमत हो आप सब इस बात से सहमत हो किस बात से इज द ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज इज द ट्रिकीएस्ट ट्रिकीएस्ट मतलब धोखा hmm. भूल भूलैया बोल सकते हैं ना ट्रिकी है एक इसमें मीनिंग अलग दूसरे इसमें मीनिंग अलग प्रनाउंसिएशन सेम है स्पेलिंग सेम है बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट एंड यूज इज डिफरेंस इज द ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी आपने जितनी भी लैंग्वेज आपको आती होगी या जितनी भी लैंग्वेज आपने सुनी होगी उस सभी लैंग्वेज में से जो ट्रिकी खतरनाक भूल भूलैया धोखा देने वाली अगर कोई लैंग्वेज है तो देयर इज ओनली वन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर फोर द टाइटल इज वाई इंग्लिश इज सो हार्ड इसलिए पोएट कहता है कि इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों है सो डियर स्टूडेंट्स